नमस्कार, इंग्लिश के लेक्चर वन में आपका स्वागत है। इस लेक्चर से लेकर करीबन 30 से 40 लेक्चर तक हम आपको ग्रामर यानी व्याकरण सिखाएंगे। तो ग्रामर क्या है? कोई भी भाषा के अपने नियम होते हैं। जैसे हिंदी में अगर मैं बोलता हूँ कि अंकित दौड़ता है, तो मैं अंकिता के लिए भी सेम वाक्य यूज नहीं कर सकता। मैं यह नहीं कह सकता कि अंकिता दौड़ता है। अंकिता के लिए मैं कहूंगा अंकिता दौड़ती है। क्यों? क्योंकि यह हिंदी का एक नियम है। वैसे ही इंग्लिश, मराठी, बंगाली, हर भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को इंग्लिश में ग्रामर या हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, यानी शब्द भेद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? किसी भी वाक्य के शब्दों को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं और उन भागों को मिला के हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। हर भाग एक पार्ट है। आपको शायद ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वीडियो में आगे चलते चलते आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस कविता को ध्यान से पढ़ते हैं। यह एक काफी मजेदार कविता है जो मुझे इंटरनेट से मिली है। और यह कविता मुझे कहाँ से मिली वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो इस कविता में पार्ट्स ऑफ स्पीच का काफी अच्छे से वर्णन किया है। इंग्लिश में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलिए कविता की पहली पंक्तियां पढ़ते हैं। तो पहली दो पंक्तियों में लिखा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ए स्कूल और गार्डन, हुप और स्विंग। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग का मतलब है कि नाउन किसी भी चीज का नाम है। वैसे तो नाउन किसी वस्तु, व्यक्ति या जगह का नाम होता है। ए स्कूल और गार्डन, हुप और स्विंग, यानी जैसे स्कूल या गार्डन या हुप या स्विंग। वैसे तो हम नाउन के बारे में काफी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए अब नाउन के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है और नाउन का अर्थ, जैसे मैंने बताया, किसी भी चीज का नाम, जैसे बुक्स या किताबें। वैसे ही वुड यानी लकड़ी, वैसे ही स्कूल यानी विद्यालय। तो अगर आपको मैंने पूछा कि स्क्रीन पे आपको ये जो चित्र दिख रहा है उसे आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे स्कूल। तो स्कूल एक इमारत का नाम है, तो वह एक नाउन हुआ। या स्वॉर्म यानी झुंड। तो ये सब उदाहरण हैं नाउन के। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी वर्ड बैंक्स निकाल लें, क्योंकि इस लेक्चर में हम बहुत सारे नए शब्द सीखने वाले हैं और यह फायदेमंद होगा कि आप वो सब शब्दों को उनके अर्थ के साथ लिख दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे की पंक्तियों में लिखा है, एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द काइंड ऑफ नाउन एज ग्रेट, स्मॉल, प्रिटी, वाइट और ब्राउन। तो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब द काइंड ऑफ नाउन का मतलब है एडजेक्टिव्स नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। एज ग्रेट यानी जैसे महान या बड़ा, स्मॉल यानी छोटा, प्रिटी यानी खूबसूरत, व्हाइट यानी सफेद या ब्राउन यानी भूरा। तो चलिए एडजेक्टिव्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहा जाता है और उसका अर्थ है एक संज्ञा या एक सर्वनाम का वर्णन करने वाला शब्द। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे जो लड़का दिख रहा है वो काफी गुस्से में लग रहा है, तो हम कहेंगे ही इज एन एंग्री बॉय। तो एंग्री शब्द इस बॉय का कुछ वर्णन कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, बॉय यहाँ पे एक नाउन है और एंग्री उसका वर्णन कर रहा है, तो एंग्री एक विशेषण है। वैसे ही यहाँ 3 सेब दिख रहे, एक बड़ा है, दूसरा उससे भी बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा है। तो पहले वाले को कहूंगा मैं बिग यानी बड़ा, दूसरे को कहूंगा बिगर यानी पहले वाले से बड़ा,
और तीसरे को कहूंगा बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा। अब यहां स्क्रीन पे आपको दो लड़के दिख रहे हैं, एक लंबा है दूसरा छोटा है या नाटा है। तो पहले वाले को मैं कहूंगा टॉल, दूसरे वाले को कहूंगा शॉर्ट। यहां स्क्रीन पे अब आपको एक बेंच दिख रही है जो लकड़ी की बनी है, तो मैं उसे कहूंगा वुडन बेंच यानी लकड़ी की बेंच। तो वुडन बेंच के बारे में कुछ बता रहा है, तो वो हो गया एक एडजेक्टिव। और ये पप्पी या डॉग काफी क्यूट लग रहा है या काफी प्यारा लग रहा है, तो मैं कहूंगा क्यूट डॉग। तो ये जितने भी शब्द है, एंग्री, टॉल, शॉर्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, क्यूट, वुडन, ये सब किसी नाउन का वर्णन करते हैं और इसीलिए ये हो गए एडजेक्टिव्स। तो आगे की पंक्तियां, इंस्टेड ऑफ नाउन्स द प्रोनाउन स्टैंड, हर हेड, हिज फेस, योर हाउस, माई हैंड। इंस्टेड ऑफ नाउन्स द प्रोनाउन स्टैंड, इसका अर्थ है कि प्रोनाउन्स को नाउन्स के बदले रखा जाता है। हर हेड यानी उसका सिर, हिज फेस यानी उसका चेहरा, योर हाउस यानी तुम्हारा घर या आपका घर, माई हैंड यानी मेरा हाथ। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मैंने हर कहा था तब मैंने हिंदी में बोला उसका, और जब मैंने हिस कहा था तब भी मैंने हिंदी में बोला उसका। तो इन दोनों शब्दों में फर्क यह है कि हम हर तब लिखते हैं जब हम जिसकी बात कर रहे हैं वह एक महिला है, और हम हिस तब लिखते हैं जब हम जिसकी बात कर रहे हैं वह एक पुरुष है। तो चलिए अब प्रोनाउंस को थोड़े और डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं और उनके साथ उनके प्रोनाउंस भी दिख रहे हैं। जब मैं आपको लिखित उदाहरण दूंगा तब आपको इन प्रोनाउंस के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ लिखा है रमेश इज माई फ्रेंड यानी रमेश मेरा दोस्त है। रमेश इज 5 ईयर्स ओल्ड यानी रमेश 5 साल का है। रमेश लिव्स इन मुंबई यानी रमेश मुंबई में रहता है। रीना इज ऑल्सो माई फ्रेंड यानी रीना भी मेरी एक दोस्त है। रीना लिव्स इन लखनऊ यानी रीना लखनऊ में रहती है। तो आप अगर ये चीज हिंदी में बोलते तो आप क्या बोलते हैं? रमेश मेरा दोस्त है, वो 5 साल का है, वो मुंबई में रहता है। तो हिंदी में आप पहले वाक्य में रमेश बोलते हैं और आगे के वाक्यों में रमेश के बदले वो बोलते हैं। वैसे ही इंग्लिश में पहले वाक्य में हम रमेश बोलते हैं और आगे के वाक्यों में रमेश को उसके प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं या रमेश के बदले उसका प्रोनाउन लिखते हैं। तो चलिए अब इन वाक्यों को प्रोनाउन्स की सहायता से लिखते हैं। तो अब ऊपर दिए गए वाक्यों को प्रोनाउंस की मदद से लिखेंगे तो वाक्य कुछ इस प्रकार बनेंगे। रमेश इज माई फ्रेंड यानी रमेश मेरा दोस्त है। ही इज 5 ईयर्स ओल्ड। ही लिव्स इन मुंबई यानी अब हमने रमेश के बदले ही लिखा है। क्यों? क्योंकि पुरुषों के लिए प्रोनाउन होता है ही। फिर रीना इज ऑल्सो माई फ्रेंड यानी रीना भी मेरी एक दोस्त है। और शी लिव्स इन लखनऊ, क्योंकि महिलाओं के लिए प्रोनाउन होता है शी। तो अब हमने प्रोनाउंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले ली है। प्रोनाउंस के बारे में हम और डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। वर्ब्स टेल ऑफ समथिंग टू बी डन, टू रीड, काउंट, सिंग, टू लाफ और रन यानी वर्ब्स किसी क्रिया के बारे में बताते हैं। जैसे रीड यानी पढ़ना, काउंट यानी गिनना, सिंग यानी गाना, लाफ यानी हंसना, रन यानी भागना। तो चलिए वर्ब्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है और जिस शब्द से कार्य का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण है राइट यानी लिखना, फिर ईट यानी खाना, फिर वॉक यानी चलना, प्ले यानी खेलना, या स्लीप यानी सोना, वो भी एक क्रिया है भले उसमें कुछ काम नहीं करते हम लोग।
और रीड यानी पढ़ना, तो ये जितने भी शब्द है, राइट, ईट, वॉक, प्ले, स्लीप, रीड, इन सब से किसी कार्य का बोध होता है और इसीलिए इन्हें वर्ब कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब्स टेल ए स्लोली, क्विकली, लाउडली और वेल। तो हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब्स टेल यानी चीजें कैसे हो रही है वो एडवर्ब्स बताते हैं, ए स्लोली, क्विकली, लाउडली और वेल। जैसे धीरे से, स्लोली यानी धीरे से, फटाफट, शोर करके या अच्छे से। तो एडवर्ब नाम में ही हम देख सकते हैं एड वर्ब्स, यानी वर्ब्स में कुछ ऐड करते हैं ये शब्द, वर्ब्स यानी क्रिया, और ये उनमें कुछ ऐड करते हैं, या हमें बताते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है, तो इसीलिए इनको एडवर्ब्स कहा जाता है। तो चलिए अब एडवर्ब्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहा जाता है, वो क्रिया विशेषण या किसी और क्रिया विशेषण का वर्णन करने वाला शब्द है। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण, ही रैन क्विकली यानी वो तेजी से भागा। तो ये क्विकली शब्द हमें वो कैसे भागा वो बताता है, तो क्विकली भागने का कुछ वर्णन करता है, कैसे भागा, फटाफट भागा, तो इसलिए क्विकली एक एडवर्ब है। वैसे ही अब दूसरा उदाहरण, द पिज्जा वॉज टू हॉट टू ईट यानी पिज्जा इतना गर्म था कि हम उसे खा नहीं पाते। तो इसमें ये हॉट जो शब्द है वो पिज्जा का वर्णन कर रहा है, और पिज्जा क्या है, नाउन। तो नाउन का वर्णन करने वाला शब्द क्या है, एडजेक्टिव, यानी हॉट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है या विशेषण है, और ये टू शब्द है यानी बहुत, वो हॉट का वर्णन कर रहा है, बहुत गर्म, वो गर्म का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ पे ये टू शब्द किसी विशेषण का वर्णन कर रहा है। तो देखिए ऊपर परिभाषा में, क्रिया विशेषण या किसी और क्रिया विशेषण का वर्णन करने वाला शब्द, तो इसीलिए क्योंकि ये टू एक विशेषण का वर्णन कर रहा है, यह भी एक क्रिया विशेषण है। और तीसरा उदाहरण, जोस ग्रैंड मदर ड्राइव्स वेरी स्लोली यानी जो की दादी बहुत धीरे गाड़ी चलाती है। अब यहाँ स्लोली यानी धीरे से वो एक क्रिया विशेषण है, क्यों, क्योंकि वो एक क्रिया का वर्णन कर रहा है, और क्रिया कौन सी है, गाड़ी चलाना, ड्राइव करना, तो स्लोली एक क्रिया विशेषण है। अब ये वेरी शब्द जो है वो हमें स्लोली के बारे में कुछ बताता है, जैसे वेरी यानी बहुत, तो वेरी स्लोली यानी बहुत धीरे से, तो वेरी एक ऐसा शब्द है जो एक क्रिया विशेषण का वर्णन कर रहा है। तो इस उदाहरण में जो क्रिया विशेषण है वो किसी और क्रिया विशेषण का वर्णन कर रहा है। तो परिभाषा में देखिए कि क्रिया विशेषण किसी क्रिया विशेषण या किसी और क्रिया विशेषण का वर्णन करता है। तो हमने तीनों उदाहरण देख लिए, पहले उदाहरण का क्रिया विशेषण किसी क्रिया का वर्णन कर रहा था, दूसरे उदाहरण का क्रिया विशेषण किसी विशेषण का वर्णन कर रहा था, और तीसरे उदाहरण का क्रिया विशेषण किसी और क्रिया विशेषण का वर्णन कर रहा है। तो हमने क्रिया विशेषणों के बारे में तो कुछ जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की पंक्तियों में लिखा है, कंजंक्शन ज्वाइन द वर्ड्स टुगेदर एज मेन एंड वेमेन, विंड और वेदर। कंजंक्शन ज्वाइन द वर्ड्स टुगेदर का अर्थ है कंजंक्शन शब्दों को जोड़ते हैं, एस जैसे मेन एंड वेमेन, विंड और वेदर। तो चलिए हम कंजंक्शंस के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। कंजंक्शंस को हिंदी में संयोजक कहा जाता है और उसका अर्थ होता है शब्द या वाक्य जोड़ने वाला शब्द। तो यहाँ कंजंक्शंस के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे सिंस, येट, बट, बिकॉज, फॉर, हावेवर, एंड। तो चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला उदाहरण, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो यहाँ
एंड शब्द जो है वो राम और श्याम शब्दों को जोड़ रहा है, तो इसीलिए वह एक संयोजक है। दूसरा उदाहरण, एलिफेंट इज बिग बट डायनासोर इज इवन बिगर। तो यहाँ एक वाक्य है एलिफेंट इज बिग और दूसरा वाक्य है डायनासोर इज इवन बिगर, और ये बट शब्द जो है वो इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो बट यहाँ पे हुआ एक कंजंक्शन। तो एलिफेंट इज बिग यानी एलिफेंट बड़ा है, डायनासोर इज इवन बिगर यानी डायनासोर और भी बड़ा है। ये दो अलग अलग वाक्य है और इनको जोड़ने वाला शब्द जो बट है वो एक कंजंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं। द प्रपोजिशन स्टैंड बिफोर अ नाउन एस इन और थ्रू अ डोर। द प्रपोजिशन स्टैंड बिफोर अ नाउन, इसका अर्थ है प्रपोजिशन नाउन के पहले आता है। एस इन और थ्रू अ डोर, यहाँ इन और थ्रू प्रपोजिशन के उदाहरण है, डोर यानी दरवाजा, तो इन अ डोर यानी दरवाजे के अंदर और थ्रू अ डोर यानी दरवाजे से। चलिए अब प्रेपोजिशन के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं। प्रेपोजिशन को हिंदी में विभक्ति कहा जाता है और उसकी परिभाषा है वे शब्द या शब्दों का समूह जो आमतौर पर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित किया जाता है, और वह प्रेपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से प्रदर्शित करता है। तो चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे एक बॉल और एक बक्से को अलग अलग स्थितियों में रखा गया है। अगर मैं इन स्थितियों का वर्णन करते हुए हिंदी में कुछ वाक्य लिखूं, तो पहली स्थिति के लिए लिखूंगा बॉल बक्से के अंदर है, दूसरी के लिए लिखूंगा बॉल बक्से के ऊपर है, तीसरी के लिए लिखूंगा बॉल बक्से के नीचे है, वगैरह वगैरह। तो ये सब शब्द अंदर ऊपर नीचे ये बॉल और बक्से के बीच एक संबंध दर्शाते हैं, और इन्हीं शब्दों को जब मैं अंग्रेजी में लिखूंगा तो उन्हें प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो चलिए इन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वह देखते हैं। तो पहली चार स्थितियों का वर्णन करने वाले अंग्रेजी वाक्य आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बॉल इज इन द बॉक्स यानी बॉल बॉक्स के अंदर है, जो पहली स्थिति में हो रहा है। वैसे ही बॉल इज ऑन द बॉक्स यानी बॉल बॉक्स के ऊपर है, बॉल इज अंडर द बॉक्स यानी बॉल बॉक्स के नीचे है, और बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स यानी बॉल बॉक्स के पीछे है। तो वैसे ही प्रपोजिशन का यूज करके आप हर स्थिति के लिए एक वाक्य बना सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉक्स एक नाउन है और हर प्रपोजिशन नाउन के पहले आ रहा है, और वो बॉक्स का संबंध किसी और शब्द के साथ जो इस केस में बॉल है उसके साथ दिखा रहा है। तो अब प्रेपोजिशंस के बारे में तो हमने जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। द इंटरजेक्शन शोज सरप्राइज एस ओ हाउ प्रिटी ओ हाउ वाइस। यानी इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो हमारे भाव व्यक्त करता है, जैसे ओ हाउ प्रिटी ओ हाउ वाइस। यहाँ ओ एक ऐसा शब्द है जो हमारे भाव को व्यक्त करता है, और हाउ प्रिटी यानी कितना सुंदर है, और वैसे ही हाउ वाइस यानी कितना बुद्धिशाली है। तो चलिए इंटरजेक्शंस के बारे में कुछ और डिटेल में पढ़ते हैं। तो इंटरजेक्शन को हिंदी में विस्मयादि बोधक कहा जाता है, और इसका अर्थ है भावना व्यक्त करने वाला शब्द। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। हे आउच ओ डैम हुर्रे वाव, ये सब शब्द हमारे भाव व्यक्त करते हैं और ये सब इंटरजेक्शन है। तो वाक्य में इसके उदाहरण देखते हैं। हुर्रे वी वॉन द मैच यानी हुर्रे हम मैच जीत गए। आउच द मिल्क इज हॉट यानी आउच दूध गर्म है, यानी सोचिए कि आपने गर्म दूध के पतीले को हाथ लगाया तो आप क्या बोलेंगे, आउच दूध गर्म है। या वाव दिस पेंटिंग इज ब्यूटिफुल
यानी वाओ, यह पेंटिंग काफी सुंदर है। तो अब आपको इंटरजेक्शन की भी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल गई है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इस कविता की आखिरी पंक्तियों में लिखा है, द होल आर कॉल्ड 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच विच रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग टीच। द होल आर कॉल्ड 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है इन सबको मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, विच रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग टीच, यानी जो हमें पढ़ना लिखना और बोलना सिखाते हैं। रीडिंग यानी पढ़ना, राइटिंग यानी लिखना और स्पीकिंग यानी बोलना। तो आज के लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे, चलिए अब एक उदाहरण देखते हैं। अब मैं आपके सामने एक वाक्य प्रस्तुत करूंगा और हम लोग साथ मिलके उस वाक्य में अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढ निकालेंगे। तो इस वाक्य में लिखा है, ये सचिन बैटेड वेरी नाइसली एंड ही गेव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड टू हेल्प इंडिया प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड कप। इसका अर्थ है, ये सचिन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और उन्होंने मैदान पे अद्भुत प्रदर्शन दिया जिससे इंडिया को वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने में मदद मिली। तो चलिए अब हम इस वाक्य में पार्ट्स ऑफ स्पीच को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले पहले शब्द से शुरू करते हैं। तो ये एक ऐसा शब्द है जिससे भाव प्रकट होते हैं। तो आपने शायद अनुमान लगा लिया होगा कि यह एक विस्मय आदि बोधक शब्द है या इंटरजेक्शन है। तो ये हुआ एक इंटरजेक्शन। अब अगले शब्द पे जाते हैं, सचिन। सचिन किसी व्यक्ति का नाम है, और याद कीजिए कि किसी भी वस्तु व्यक्ति या जगह के नाम को नाउन कहा जाता है, तो इसलिए सचिन एक नाउन हुआ। अब आते हैं अगले शब्द पे जो है बैटेड। बैटेड यानी बल्लेबाजी करी। तो यह शब्द से क्रिया का बोध होता है, तो इसलिए यह हुई एक क्रिया यानी इंग्लिश में वर्ब। अब देखते हैं वेरी। वेरी यानी बहुत। तो यह शब्द किसका वर्णन कर रहा है? यह शब्द नाइसली का वर्णन कर रहा है। नाइसली का अर्थ है अच्छे से, तो वेरी नाइसली यानी बहुत अच्छे से। अब नाइसली किसका वर्णन कर रहा है? बहुत अच्छे से क्या हुआ? बहुत अच्छे से सचिन ने बल्लेबाजी की। तो नाइसली शब्द बैटेड का वर्णन कर रहा है या बल्लेबाजी करने का वर्णन कर रहा है। बल्लेबाजी कैसे हुई? बहुत अच्छे से हुई। तो बैटेड एक क्रिया है और नाइसली उसका वर्णन कर रहा है, तो वह हुआ एक क्रिया विशेषण। वैसे ही वेरी नाइसली का वर्णन कर रहा है या वेरी किसी और क्रिया विशेषण का वर्णन कर रहा है, तो वह भी हुआ एक क्रिया विशेषण। याद कीजिए कि एक क्रिया विशेषण किसी क्रिया विशेषण या किसी और क्रिया विशेषण का वर्णन करता है, तो वेरी और नाइसली दोनों हुए क्रिया विशेषण। अब चलते हैं अगले शब्द पे जो है एंड। याद कीजिए कि कंजंक्शन के उदाहरणों में मैंने कहा था कि एंड भी एक कंजंक्शन है, लेकिन अगर आपको वह याद नहीं होता फिर भी आप इस वाक्य को देख के पता लगा सकते थे कि एंड भी एक कंजंक्शन है। कैसे? एंड के पहले वाले शब्द देखिए, ये सचिन बैटेड वेरी नाइसली, यानी ये सचिन ने बहुत अच्छे से बल्लेबाजी की। यह अपने आप में एक वाक्य है। वैसे ही एंड के बाद वाले शब्द देखिए, ही गेव अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड टू हेल्प इंडिया प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड कप, यानी उसने मैदान पे एक अद्भुत प्रदर्शन दिया जिसकी वजह से इंडिया को वर्ल्ड कप में आगे बढ़ने में मदद मिली। यह भी अपने आप में एक वाक्य है। तो एंड शब्द यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए एंड हुआ एक कंजंक्शन। तो एंड हुआ एक कंजंक्शन। चलिए अब अगले शब्द को देखते हैं जो है ही। जब मैं ही बोलता हूं तब मैं सचिन की बात कर रहा हूं, या ही शब्द एक ऐसा शब्द है जो सचिन की जगह ले रहा है। तो ही शब्द एक ऐसा शब्द हुआ जो एक नाउन की जगह ले रहा है, इसलिए वह हुआ एक प्रोनाउन। याद कीजिए कि प्रोनाउन के उदाहरणों में भी मैंने कहा था कि ही एक प्रोनाउन है, तो अब ही हुआ एक प्रोनाउन। अब अगला शब्द है गेव।
यानी दिया, तो यह भी एक क्रिया है। उसके बाद वाला शब्द है अ, जो एक आर्टिकल है और आर्टिकल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद वाला शब्द है ब्रिलियंट, ब्रिलियंट यानी लाजवाब या अद्भुत। तो ब्रिलियंट किसका वर्णन कर रहा है, क्या चीज लाजवाब है। ब्रिलियंट के बाद वाला शब्द है परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यानी अद्भुत प्रदर्शन या लाजवाब प्रदर्शन। और प्रदर्शन एक नाउन है या संज्ञा है। तो ब्रिलियंट एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन का वर्णन कर रहा है, तो वह हो गया एक विशेषण। तो ब्रिलियंट हुआ एक एडजेक्टिव। उसके बाद वाला शब्द है परफॉर्मेंस, जो हमने पहले ही कह दिया है कि एक नाउन होता है। उसके बाद वाला शब्द है ऑन, जो अगर आपको याद होगा तो हमने प्रेपोजिशंस के उदाहरणों में देखा था। तो ऑन एक प्रेपोजिशन है, लेकिन अगर आपको याद नहीं होता तो आप कैसे पता लगाते कि ऑन एक प्रेपोजिशन है। आप देख सकते हैं कि ऑन के बाद है द फील्ड यानी मैदान, तो ऑन के बाद एक नाउन है, मैदान एक नाउन है। और ऑन मैदान का संबंध किसी और शब्द के साथ दिखा रहा है, कौन से शब्द के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, प्रदर्शन के साथ। परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड यानी मैदान पे प्रदर्शन। तो ऑन एक नाउन के पहले आ रहा है और वह उस नाउन का संबंध किसी और शब्द के साथ दिखा रहा है, तो इसीलिए वह हुआ एक प्रेपोजिशन। अब ऑन के बाद वाला शब्द है द, जो एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। फिर है फील्ड यानी मैदान, तो वह एक नाउन हुआ। फिर टू हेल्प, यह एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर इंडिया यानी भारत, तो यह एक नाउन है, तो क्योंकि यह किसी देश का नाम है। फिर प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ना, तो यह एक क्रिया है, तो यह एक वर्ब हुआ। फिर इन, वापस एक प्रेपोजिशन, याद कीजिए हमने प्रेपोजिशंस के उदाहरणों में पढ़ा था इसके बारे में। फिर ध, वापस एक आर्टिकल जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड, वापस एक नाउन, वर्ल्ड यानी दुनिया। और कप, वापस एक नाउन। तो आज के लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा है। चलिए अब कुछ विविध बातें करते हैं। तो लेक्चर वन की विविध बातें। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे किसी को रास्ता हम अंग्रेजी में कैसे बताते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि राह चलते कोई आके हमें पूछ लेता है, भैया इस जगह का रास्ता बता दो। तो अगर वो हिंदी में पूछता है तो ठीक है, हम हिंदी में जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर इसने आपको इंग्लिश में पूछा तो आप उसका जवाब कैसे देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपको किसी को बोलना है कि सीधे जाओ तो आप कहेंगे गो स्ट्रेट। फिर आपको बोलना है कि बाएं मुड़िए तो आप बोलेंगे टर्न लेफ्ट या टेक अ लेफ्ट टर्न। फिर अगर आपको बोलना है कि दाएं मुड़िए तो आप बोलेंगे टर्न राइट या टेक अ राइट टर्न। और अगर आपको किसी को बोलना है कि यू टर्न ले लो तो आप बोलेंगे टेक अ यू टर्न। तो अब आप किसी को रास्ता बता सकते हैं। तो आपको किसी को बोलना है पहले सीधे जाइए, फिर दाएं मुड़िए और फिर यू टर्न लीजिए, तो आप बोलेंगे गो स्ट्रेट देन टर्न राइट देन टेक अ यू टर्न। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।